आइसक्रीम बना लेते हैं। बिस्किट ले लिया मैंने, चॉकलेट बिस्किट है ये। मैंने क्रीम ले ली, फ्रेश क्रीम है, मलाई घर की, दूध की। ये दूध हो गया, ये चीनी हो गया, इन्हीं चीज़ों से हम आइसक्रीम बनाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्किट तोड़ लिया हमने, बिस्किट खोल लिया, पैकेट खोल लिया, उसको तोड़ लेंगे। एक एक करके तोड़ के घर में डाल देंगे। इसमें दूध डाल दिया हमने, मीठा हम स्वाद अनुसार डालेंगे, बिस्किट भी मीठे होते हैं। चॉकलेट आइसक्रीम बन जाएगी मेरी चटपट। अब इसमें थोड़ी चीनी डाल देंगे क्योंकि बिस्किट भी मीठा है। थोड़ा सा दूध डाल देंगे और ये डाल देंगे क्रीम मलाई। इससे बिल्कुल स्मूथ टेक्चर आएगा इसका। घर की फ्रेश मलाई होनी चाहिए। थोड़ा इसमें ये कोको पाउडर डाल देंगे। ये मैंने ग्राइंड कर ली, ये देखिए इसका टेक्चर, देखिए कितनी स्मूथ बनी है। इसको इसमें पलट लेंगे। पलट दिया ना, अभी मेरे पास मोड है, ये मोड है मेरे पास, इसमें जमा लेंगे। इसको भर लेंगे इसमें। अब इसको कवर कर देंगे। ये हमने कवर कर दिया, अब उसको फ्रीज कर देंगे हम। फ्रीजर में रख देंगे कम 4-5 घंटे के लिए। इसको फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद ही 5 घंटे बाद ही सेट होगी। ये देखिए आइसक्रीम बनके तैयार हो गई मेरी। ये देखिए इतनी बढ़िया बनी है, परफेक्ट। देखिए लग रही ना मार्केट जैसी। लीजिए आप भी बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए दोस्तों।